इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.1 एनसीईआरटी बुक का। 1.1 में हमसे पहला क्वेश्चन बोला है कि यूज द यूक्लिड डिवीजन मेथड एल्गोरिथम, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करके। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने का बहुत सिंपल ट्रिक होता है, आप क्या करो, यहाँ पे जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, जो बड़ा नंबर होता है उसको डिवाइड करना होता है आपको छोटे नंबर से। तो आपका 135 और 225 में से छोटा नंबर कौन है, 135 है, तो 135 से डिवाइड करो आप 225 को। डिवाइड करते हैं क्या होगा, 135 वन सा 135, तो ये बचेगा 0 और ये 9 और ये कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि जब तक आपको डिवाइड करना होता है जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि अगर जब तक आप डिवाइड करो जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। अब 90 बचा तो 90 से डिवाइड करें, जिससे हम प्रीवियसली में जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे थे, तो 91 90, तो बचेगा 5 और ये 4, ये कुछ नहीं। अब 45 बचा तो वही फिर 45 से डिवाइड करूंगा मैं 90 को, तो 45 2 90, दैट मीन्स आपका रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जिससे आपका रिमाइंडर जीरो आता है, जिस भी नंबर से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर जीरो आता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका मतलब जो 45 है वो आपका 135 और 225 का क्या हुआ, एचसीएफ है। तो आपको करना क्या होता है, सिंपल, पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना है बड़े नंबर को, जब तक डिवाइड करना जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। वो कैसे करना है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको प्रीवियस वाले नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उस नंबर से डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे हमने 90 आया रिमाइंडर तो हमने 135 को, फिर हमने देखा 45 रिमाइंडर आया तो हमने 90 को डिवाइड कर दिया। ऐसे हम आगे भी और प्रोसेस को अप्लाई करते जाते हैं। अब इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन आप करना है डिवाइड, सिंपल, इसको आप सीधा डिवाइड कर देना है, आपका आंसर डायरेक्ट ही जीरो आ जाने वाला है, तो 196 आपका आंसर होगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर क्यू इज अ सम इंटीजर। जब इस तरह क्वेश्चन आते तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना है आपको कि भैया कोई जो पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इस क्वेश्चन, मैंने ऑड नहीं लिखा था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ द 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, लेट करेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, वेयर b इक्वल्स टू अब हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे जो q के फॉर्म में लिखा रहता है, 6q+1 लिखा है, 5q+1, 2q+, जो भी लिखा रहेगा वो आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 6, a इक्वल्स टू 6 q+r, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q+r, वेयर जो आपका r होगा, ये जो बंदा r की वैल्यू डिपेंड करती है b पे, किस पे डिपेंड करती है, r की वैल्यू आपकी b पे डिपेंड करती है। तो जैसे r की, अगर b की वैल्यू 6 है, इसका मतलब r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, देखो टोटल 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 0 से लेके 5 तक r की वैल्यू होगी होगी, ठीक है। अब ये r की वैल्यू आपको बारी बारी से पुट कर देनी है, तो r इक्वल्स टू आप 0 1 2 3 4 और 5 पुट करेंगे a में, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6q+0 मीन 6q आ जाएगा, फिर इसके बाद a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6q+1, फिर a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q+2, फिर a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q+3, फिर a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q+4 और a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q+5, ठीक है। ऐसे मैंने लाइन टू लाइन सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब आपसे कहा गया है कि आपसे ये बोला गया है कि शो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ द 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब आप खुद जानते हैं कि a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, तो a अगर ऑड है इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन देखेंगे, बट 6q+2 और 6q+4 आर डिविजिबल बाय 2,
2, लेकिन आप जानते हैं 6q, 6q+2, 6q+4 ये क्या है, सभी 2 से डिविजिबल है। अब जो 2 से डिविजिबल है वो ऑड नहीं हो सकता, वो इवन है, तो इस चक्कर में इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाएंगे। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारे जो 6 कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये तो ये इवन है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में आपसे कह देते कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6q, 6q+2, 6q+4, तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना होता, एंड में आप क्या लिखते कि ए इज अ इवन नंबर देन 6q+1, 3 ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए आपका ऑड नंबर इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए 6q, 6q+2, 6q+4 आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इवन नंबर होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके ऑड की जगह इवन दे दिया। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन फिनिश हो गया, आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आपसे कहा है कि बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको प्रूफ करना है कि एनी पॉजिटिव नंबर ऑफ द स्क्वायर इज अ फॉर्म ऑफ 3mm, 3m+1, मतलब कि जिसमें कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर जो होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है, 3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन बी कॉस टू कितना हो जाएगा आपका 3। मैंने आपको बोला था वहाँ पे 6q लिखा था तो आपने 6 माना था, यहाँ पे 3m लिखा है तो यहाँ पे 3 मानेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, a कॉस टू 3। आप चाहो तो यहाँ पे m लिख दो, q लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 3q मान रहा हूँ, 3q+r, ठीक है, 3q+r, वेयर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2, देखो 3, तो 0, 1 और 2, 3 है ना, तो 0, 1 और 2 लेंगे, तो वही अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसी भी नंबर के स्क्वायर की, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे इफ़ R इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+0 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा, 3 3 9q² हो जाएगा, तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3q² हो जाएगा, तो 3 इसको आप पूरे को m कर देंगे तो आपको हो जाएगा 3m। अब इसके बाद आप 1 लेंगे, if r equals to 1, तो आपका a square equals to 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब 9q² प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं यहाँ पर 2ab कर दूँ, 6q+1, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो अंदर बचेगा 3 3 9q+2q+1, तो इसको मैं पूरे को m मान लूँगा, तो 3m+1 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे if r equals to 2, तो a square equals हो जाएगा 3q+2 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 9q² प्लस 2 2 4 12q, 3 2 6 2 12, और ये 4, तो मैं इसको 9q² + 12q, इसको मैं 3+1 लिख सकता हूँ, 4 को 3+1, तो आपके यहाँ से तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो अंदर बचेगा 3q² + 4q + 1 + 1, इस पूरे को मैं m मानूंगा, तो 3m+1, तो ध्यान से देखेंगे 3m आया, 3m+1 आया और 3m+1 ही आया, तो हैंस मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिसका स्क्वायर होगा वो किस फॉर्म में होगा आपका, 3m फॉर्म में होगा और 3m+1 फॉर्म में होगा। आपको इस तरीके से उसको प्रूफ करना है, तो आपको आगे समझ में, चलो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि वही आपको यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर बोला है कि इसका क्यूब जो है वो किस फॉर्म में होता है, 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होना है, तो वही अपन यहाँ पे मान लेंगे ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, बी की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, तो आपका ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 3q+r, वेयर r इक्वल्स टू वही आपका 0, 1 और 2, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बराबर रखूँगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा ये, एक आपका हो जाएगा 3q, एक हो जाएगा 3q+1 और एक हो जाएगा 3q+2, 3q, 3q+1, 3q+2, तो मैं वही केस 1 लगाऊंगा,
केस वन में क्या हो जाएगा आपका, ए का क्यूब मतलब वही 3 क्यूब का क्यूब, तो आपको हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब। तो मैं इसको 9 कॉमन लूँगा तो 3 क्यूब का क्यूब, तो इसको अपन क्या कर देंगे 9, इसको मैं मान लूँगा m, तो हो गया आपका ए क्यूब एक। दूसरा केस टू लगाऊंगा मैं, केस सेकंड में क्या है आपका, ए क्यूब इक्वल हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो इसको वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब मतलब वही 27 क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b, 3a² मीन्स हो जाएगा 9q² b1 प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपका ये 27 क्यूब, और हो जाएगा 27q² ये 9q + 1। तो आप ध्यान से देखें, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा 9 3 जा और ये q और यहाँ पे 1 आपका। तो मैं इसको पूरे को m मान लूँगा, क्या मान लूँगा पूरे को m, तो 9m + 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम केस थर्ड पे, केस थर्ड में क्या आपका वही ए क्यू का हो जाएगा आपका 3q + 2 का क्यूब, तो वही ए क्यू मीन्स 27 का क्यूब प्लस 3a² प्लस 9² b प्लस 3ab² तो 3ab² और 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये, आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस में 9 3 27 क्यूब 9 3 27 27 2 54, 54 क्यूब स्क्वायर, 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 36 क्यूब और ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी इसमें से आप कॉमन लेने वाले हैं, तो कॉमन लेंगे तो आपको पता ही है ये तीनों में से ही कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 9 3 27 क्यूब प्लस 9 6 q² और 9 4 q + 8, तो ये पूरा हो जाएगा 9m + 8। तो ये तीनों चीज़ हैं, तीनों के तीनों फॉर्म आपके क्या आ रहे हैं, 9m आ रहा है, 9m + 1 आ रहा है, 9m + 8 आ रहा है, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म में होता है, 9m, 9m + 1, 9m + 8। तो हमने तीनों को ऐसे प्रूफ कर दिया, तो अभी तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर था ये 1.1 आपका फिनिश हो चुका है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ में डालने वाला हूँ आगे आपको उनके क्या हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो सके। अगर आपको वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस क्वेरी का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और हाँ, प्लीज़ अगर आपका सजेशन जरूर दें आपको वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अच्छे, और जो उसमें कमियां वो आप कमी उसके बारे में बताएं, ताकि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा उसको सही और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।